क्लास टेंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का 10th क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, 6 कोऑर्डिनेट एंड -3, 4 कोऑर्डिनेट्स। सो देखिए स्टूडेंट, डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई, ये 3, 6 -3, 4 ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं, इनको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी। अब ये जो कंडीशन दी है इसके आधार पर हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, रिलेशन निकालना है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो देखिए स्टूडेंट, डायग्रामेटिकली मैंने शो करके रखा है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट और ये 3, 6 -3, 4, इन पॉइंट्स को ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं और ए बी एंड ए सी इक्वल गिवन है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी ए सी इक्वल है, ये गिवन है। तो यहाँ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू किसी को भी कंसीडर कर लें, तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन मीन्स एक्स माइनस थ्री एंड वाई माइनस सिक्स, ये हो गया ए बी, और ए सी हमारा होगा एक्स माइनस -3 वाई -4। देखिए स्टूडेंट, मैंने आइडेंटिटी यूज़ की ए माइनस बी होल स्क्वायर, अब यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बट पहले ये एक्स प्लस 3 कर लें इस स्टेप में, माइनस माइनस प्लस प्लस वाई -4 होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेप्स के ऊपर, आइडेंटिटी यूज करके हमने इनको ओपन कर लिया। नाउ स्टूडेंट देखिए, ये सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y +45, अंडर रूट हट गया, और इसी तरह इसका भी अंडर रूट हट गया, और ये दोनों ऐड कर लेते हैं, तो दिस इज 25। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, अब ये एक्स एक्स आपस में इधर लाएं, तो ये -6x -6x, वाई वाई इधर लाए -12y, और ये हो जाएगा +8y, एंड इसको हम इधर ले जाएं 25 -45, सो दिस इज -12x एंड दिस इज 12 में से 8 गया, दिस इज 4y एंड दिस इज -20। हाँ स्टूडेंट देखिए, -4 से सभी डिविजिबल हैं, तो -4 से ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज वाई एंड 5, और यू कैन राइट 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, जो कहा गया था क्वेश्चन में एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन, तो एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन मतलब इक्वेशन 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0।